न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए अभी स्थिति कंट्रोल में है। पिछले लगभग 36-48 घंटे में कोई विशेष घटना हुई नहीं है, तो क्षेत्र मतलब जिले सिटी को अब नॉर्मलसी की तरफ ले जाना है। आज सभी जो संप्रदाय के और धर्म के लोग हैं, प्रभावी लोग हैं, उनके साथ बैठकें की गई हैं। जो समाज तय करेगा उसके अनुसार ही कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, समय भी उनके साथ ही चर्चा करके तय किया जाता है। मुझे उम्मीद है कल से हम ढील देना शुरू कर देंगे, ताकि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, किराना है, सब्जी है, दूध है, वो जनजीवन को उपलब्ध हो सके और सिटी यथाशीघ्र। अभी दिन में पहले दिन दो बार ढील दी जाएगी, उसके पश्चात हो सकता है इसको बढ़ाया जाए। नाइट कर्फ्यू अभी एक दो दिन तक, कुछ दिन तक चालू रहेगा। हमारी वाइस चांसलर और जो यूनिवर्सिटी है दोनों जगह पे, और भोपाल में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ बैठक, उनसे बातचीत हो गई थी, और विशेष परीक्षा जो भी आखिरी परीक्षा हो गए उससे अगले दिन या उसके बाद अपनी खरगोन सिटी के लिए करा दी जाएगी, ताकि बच्चों को कोई नुकसान ना हो।